क्या आप चाहते हैं कि आप एक लंबी उम्र जी सकें, एक हेल्दी लाइफ जी सकें? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि वो कौन सा साइंटिफिक मेथड है, वो कौन सी साइंटिफिक स्टडी, वो कौन सी रिसर्च है जिससे कि ये पता लगाया गया कि इंसान उसका उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को लंबा कर सकता है और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही रोचक जानकारी देखने को मिलेगी और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसा मेथड है जिससे कि हम एक लंबी उम्र जी सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में भी मैं आपको जो वीडियोस दूँ हेल्थ रिलेटेड वो आप तक पहुँचती रहे। आई एम योर होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता। आई एम एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट फिजिशियन एट ईशान हार्ट सेंटर आगरा। वीडियोस देखी होंगी आज तक, कई हेल्थ रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ली होगी, पर दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपको शायद ही पता हो, शायद आपने पहले कभी सुनी, पर ये जो मैं बात बताऊंगा ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। ये बात तब की है जब दुनिया भर के साइंटिस्ट, अलग अलग देश के साइंटिस्ट ये पता लगाने में लगे हुए थे कि ऐसी कौन सी तरीका है, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे इंसान अपनी एक लंबी उम्र जी सकता है। तो जब अलग अलग देश के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च करी कि कौन सा मेथड है, तो उन्होंने कई मेथड यूज़ किए, कई रिसर्च करी, उसमें से एक रिसर्च वो थी मल्टी विटामिन को लेके। जब ये रिसर्च करी गई कि क्या मल्टी विटामिन हमारी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं, क्या हमारी ज़िंदगी को लंबा कर सकते हैं, तो ये पाया गया कि मल्टी विटामिन का हमारी ज़िंदगी को बढ़ाने में या हमें स्वस्थ रखने में कोई खास योगदान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मल्टी विटामिन का हमारी आयु बढ़ाने में, ज़िंदगी लंबी करने में कोई खास योगदान नहीं है। मल्टी विटामिन की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें कि फल, सब्जी, अनाज, दूध, ये सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, तो हमें मल्टी विटामिन लेने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या मेथड है, तो मल्टी विटामिन भी काम नहीं करे, तो साइंटिस्टों ने फिर कैसे पता लगाया कि ऐसा क्या मेथड है दोस्तों, तो ये वीडियो देखिए आगे। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसी रिसर्च करी जिसमें उन्होंने चूहों को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक आधे चूहों को उन्होंने नॉर्मल खाना दिया और आधे चूहों को उन्होंने कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड खाना दिया, मतलब कि कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कर दी गई उनकी, उनको कम खाना दिया गया, जितनी खुराक उनकी थी उससे 25% उनको कम खाना दिया गया। तो इस रिसर्च में जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। ये पता लगा कि जिन चूहों को कम कैलोरीज वाला खाना दिया गया, मतलब कि जिनमें कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की गई, वो ज़्यादा जिए, औसतन 25-40% अपेक्षित उन चूहों के जिन्होंने नॉर्मल खाना खाया। और अलग अलग देश के, पूरी दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट ने इस रिसर्च को प्रमाणित किया कि अगर हम अपनी डाइट में से कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट कर दें 25% तक, तो हम अब एक काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और काफ़ी लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है कैलोरी रेस्ट्रिक्शन से? साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन आखिर क्या करता है, उसकी वजह उन्होंने ये पता लगाया कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए रिपेयर जीन्स होते हैं, जो हमारे डीएनए को रिपेयर करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब कि जब हमारे डीएनए में खराबी आने लग जाती है एक उम्र के बाद, एक एज के बाद, तो हमें बीमारी घेर लेती है तरह तरह की, तो वो जो डीएनए रिपेयर जीन्स हैं वो डीएनए को रिपेयर करते हैं। और जब हम कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं, मतलब कि थोड़ी कैलोरीज कम कर देते हैं अपनी डाइट से, तो वो डीएनए रिपेयर जीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे कि हमारा डीएनए ठीक रहता है, हमारा डीएनए में खराबी नहीं आती, जिसकी वजह से हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियाँ नहीं लगती। दूसरा फ़ायदा जो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का होता है वो होता है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, मतलब कि हाई बीपी। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों ही कम कर देता है अगर कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम लेते हैं। तो ये दो बीमारी, जो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन, अपने आप में एक बड़ी बीमारी है जिससे कि आगे जाके बहुत सारी अन्य बीमारियाँ भी लगती हैं। डायबिटीज़ की वजह से हृदय की बीमारी या स्ट्रोक या किडनी, ये सब बीमारियाँ लगती हैं, तो ये बीमारियाँ भी कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेने से कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी अगर कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो शायद आप भी एक स्वस्थ और एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये तो बात हो गई कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की, पर एक और चीज़ है जिससे कि जो हमारी ज़िंदगी है या हम उसको और लंबा जी सकते हैं, वो है रेस्वेट्रॉल। जी हाँ दोस्तों, इस सब्सटेंस का जो नाम है वो है रेस्वेट्रॉल। और ये सब्सटेंस ये मिलता है हमारे ब्लैक ग्रेप्स में, यानी कि काले अंगूर में, और एक और जगह मिलता है जो कि है रेड वाइन। जी हाँ दोस्तों, तो रेड वाइन में और ब्लैक ग्रेप्स में रेस्वेट्रॉल नाम का एक सब्सटेंस मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है, जो कि सेम यही काम करता है जो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करती है, जिसमें कि हमारी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है और हमारी डीएनए रिपेयर जीन्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हम ब्लैक ग्रेप्स भी अपनी ज़िंदगी में बढ़ा सकते हैं, कैलोरी को रेस्ट्रिक्ट हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट, तो आप थोड़ी बहुत रेड वाइन भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना
कि दो चीज़, दो मेथड, एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, एक रेस्वेट्रॉल, ये दोनों प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ईशान आर्ट सेंटर आगरा में आके मुझे दिखा सकते हैं। थैंक यू।